भाई एक और स्विफ्ट अपने पास आ चुकी है जिसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं भाई आरएस वाली ग्रिल। तो अभी फिलहाल जो ग्रिल लगी हुई थी भाई कुछ ये वाली थी, तो भाई ये अपने को 2019 में 18 में ये वाली ग्रिल कंपनी देती थी, जो भाई ने इसमें भी कलाकारी करी हुई थी रेड कलर की, और इंटीरियर भी समथिंग जो है इसका वो रेड कलर में, वो भी दिखा दूंगा भाई इसके साथ साथ। बट अभी जो बात है वो इसकी ग्रिल की, तो ये ग्रिल अपन चेंज कर रहे हैं, और भाई ये जो ग्रिल चेंज हो रही है वहीं का एसेसरीज पे अपन चेंज कर रहे हैं उसको, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। मार्केट में ग्रिल जो है वो अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो ऐसे प्राइस में है कि बस पूछे ही मत। तो कुछ ये वाली ग्रिल होने वाली भाई, तो ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो भाई। भैया एक नंबर ग्रिल है, पूरी आरएस ग्रिल है, और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, और क्वालिटी भी इसकी एक नंबर है भाई। इसको अभी फिट करते हैं एज इट इज़, जिस तरह से ये वाली ग्रिल का आपको पुराना पार्ट दिया हुआ है, सेम वैसा पार्ट आपको उसके अंदर भी दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो भाई। और एक बार लगने के बाद जो गाड़ी का लुक है भाई वो भी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लुक को एनहेंस कर देती हैं। एक बार भाई इसकी फिटिंग होने देते हैं, तब तक आप एक टाइम लैप्स इसका इंजॉय कर लो। जो ग्रिल है इसके अंदर क्या होता है, सारे लॉक होते हैं, इन लॉकों को टाइट किया जाता है, उसके बाद इनको कसा जाता है। तो जो कंपनी वाले फिटेड वाला सीन रहता है पूरा एज इट इज़ वही सीन है। तो चार इसमें पेज लेंगे और ग्रिल अपनी तैयार है, मतलब ज़्यादा टाइम इसको लगता नहीं, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बस बम्पर खोलने की थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज इस ग्रिल को कर सकते हो। उसके अंदर आप लाइट जो लाओगे ना, पुलिस वाली जो लाइट आती है अपनी, रेड ब्लू फ्लैशर या वाइट फ्लैशर लाओगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि अपने भाई वरना वगैरह में देखा होगा आपने। बट अभी जो है वो ये वाली ग्रिल के साथ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना इसके साथ आता है। जो लुक आती है ना भाई, अभी आप खुद देख लेना गाड़ी जो खड़ी होगी ना, एक नंबर की क्वालिटी इस गाड़ी की लग जाएगी भाई आपको। उसके बाद भाई इसका इंटीरियर भी देख लो, समथिंग समथिंग यहाँ पे आपको रेड रेड सा समथिंग नज़र आ रहा होगा, तो थोड़ा सा इसका इंटीरियर बात भी करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले जो मेन बात है वो है अपनी ग्रिल की, तो एक बार वो भी लगने देते हैं। और भाई नंबर प्लेट लगेगी तो नंबर प्लेट भी अपन देखेंगे अभी कहाँ किस साइड में आप इसको अरेंज करते हैं नंबर प्लेट को, क्योंकि जो ग्रिल है ग्रिल के ऊपर अगर लगा देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं रहता, इसलिए उसको कहीं साइड वाइड में अरेंज करनी पड़ती है, क्योंकि भाई अपनी ग्रिल की शोभा जो है वो ख़त्म ना हो। अभी इसके अंदर लगाया जा रहा है रेड ब्लू वाला जो फ्लैशर आता है, तो भाई ये कुछ फ्लैशर लगाया जो कि भाई चार पीस में आता है, ठीक है भाई। ये कुछ फ्लैशर है यहाँ पे, क्योंकि अभी इस ग्रिल में लगने के बाद भाई रात के टाइम में जब ये फ्लैशर चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है इन फ्लैशर्स का, तो ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, इसके चारों के चारों जो फ्लैशर थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और ग्रिल के अंदर जो लुक आएगी ना इसकी औसम आ जाएगी। एक बार इसका जो रिमोट है भाई, रिमोट देख लो, ये कुछ इसका रिमोट है, और इस रिमोट से अगर हम ये वाला बटन दबाएंगे ए वाला, तो ये ऑन ऑफ का होता है, बाकी सारे इसके मोड के हैं। बी वाला काम कुछ करता नहीं है, लेकिन ए वाला और ये तीनों काम करते हैं। यहाँ से जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, फ्लैशर अपने ऑन हो चुके हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो बहुत सारे मोड भी आते हैं इसके अंदर, अलग अलग मोड है इसके अंदर, अभी चेंज होते रहेंगे, इसके अंदर बहुत सारे मोड हैं। और इस वाले से करूँगा तो फिर ये चलते रह जाएंगे, ऑन ही रहेंगे बस, सारे के सारे अपने ऑन चलते रहेंगे, गाड़ी अपनी चलाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर ऑफ़ करना है तो ए दोबारा दबाओ ऑफ हो जाएगा, ए दोबारा दबाओ ऑन हो जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई ये वाली भी। फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है अपनी जो आरएस ग्रिल है वो इंस्टॉल हो चुकी है, आप इसको मैच ग्रिल बोलो या आरएस बोलो, लेकिन गाड़ी जो लगती है वो लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब आप चेकआउट कर सकते हो भाई, सारी एक एक चीज़ जो है वो पूरी की पूरी स्नग फिट के साथ, यहाँ से देखो भाई नियर बाय से बिल्कुल जो उसका था ना, मतलब जो भी इसका हिसाब किताब था ग्रिल का, जितना इसमें स्पेस दिया गया था बिल्कुल उसी हिसाब से ये वाली जो ग्रिल है वो पूरी की पूरी तैयार की गई है। और सबसे ज़्यादा जो चार चांद लगाने वाली बातचीत है वो है ये, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता लेकिन लग अच्छी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ये चीज़ देख सकते हो। लाइट लगाई अंदर जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और यहाँ पर इसके अंदर कई सारे मोड भी आते हैं, छोटा सा रिमोट मिलता है बहुत प्यारा सा, तो भाई इसके अगर मैं से देखो खोल रहा हूँ ये देखो कितना प्यारा सा, उसके बाद इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ सब कुछ कर सकते हैं, उसके बाद फिर मोड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं अपन। गाड़ी तो अपनी लगी रही है एक नंबर, और यहाँ पर सारे के सारे मोड आपके सामने चेंज हो रहे हैं। तो ये कुछ है अपनी गाड़ी, एक बार इसका इंटीरियर भी आपको चेकआउट कराता हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा था बहुत देर से, तो उसका थोड़ा और काम होना है वो, लेकिन कुछ टाइम बाद में गाड़ी आएगी। लेकिन जो इंटीरियर इन्होंने पूरा का पूरा करा दिया, पिलर विलर सब कुछ करा दिया, तो एक बार चलते हैं भाई इंटीरियर की तरफ, और भाई गाड़ी की बात करते हैं इंटीरियर की, कि इंटीरियर में कितना सारा खर्चा आ जाता अगर लोग इस तरह का इंटीरियर बनवाते हैं। तो आज मैं आपको एक अप्रॉक्स प्राइस बता दूंगा जिसमें आप अपना इंटीरियर तैयार कर सकते हो, बाकी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या चेंज करवा रहे हो। फिलहाल ये आपके सामने था स्विफ्ट का VXI वेरिएंट। भाई ये एक छोटी सी झलक है आपके लिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी में सब रेड रेड करा रखा है, समथिंग ऐसा कुछ मैंने अपनी बलिनों पर भी कराया, तो आपको वो चीज़ देखने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन ये बलिनों से पहले वीडियो डल जाएगी, तो भाई ये चीज़ चेकआउट कर सकते हो। गाड़ी में सामान पड़ा हुआ, क्योंकि गाड़ी का जो इंटीरियर हुआ था वो कल हुआ था, और यहाँ पर अब आज देख सकते हो भाई आप, इससे आप जज कर सकते हो तो पीछे वाली सीट है वो कितनी ज़्यादा प्यारी होंगी, और ये चीज़ देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा बढ़िया है। साइड से देखो एक बार क्या फील आ रहा है ना, मतलब इसका जो
बकेट फिट वाला सीन है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा अंदर को है, और ये ज़्यादा जो है ना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और ये देख सकते हो भाई दाएं वाली सीट, साइड से देखने में मज़ा आएगा कि ये लग रही है पूरी स्पोर्ट वाली लुक जो आती है ना गाड़ी की, पूरी स्पोर्ट वाली लुक लग रही है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा लुक को एनहेंस कर रही है। इसके बाद भाई बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग जो है वो उसका दो कलर में रैप हुआ है, रेड एंड ब्लैक में, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद भाई बात करते हैं इसके पिलर्स की, तो सारे के सारे पिलर इसके हुए थे भाई, ये देखो ये भी रैप हो रखा है, इवन पीछे वाला भी हो रखा है और ये वाला भी हो रखा है और ये वाला भी हो रखा है, तो भाई ये सारी की सारी जो पिलर्स हैं वो भी रैप हो रखे हैं। तो ये कुछ था इस गाड़ी का इंटीरियर। बात करते हैं इसके सीट कवर के प्राइस की, तो भाई समथिंग आपको 4.5-5 हज़ार रुपये ऐसे सीट कवर्स के लिए लग जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी सारी क्वालिटी आती है, जो 6,000-7,000-8,000, और इंटीरियर को बनाने में कम से कम आप अगर आप ढंग का इंटीरियर बनवाना चाहते हो तो 15-20 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो ही जाता है। तो समथिंग ये कुछ एक मैंने प्यार से एक आपको छोटा सा एक अमाउंट बता दिया, जिस अमाउंट के अंदर अगर आप आगे अगर करवाना चाहते हो तो वो आप करवा सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी रहता है कि आप दो पिलर करवा रहे हो, चार करा रहे हो, छः पिलर करवा रहे हो, गेट करवा रहे हो, गेट के साथ ये चीज़ भी करवा रहे हो, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके करवाने पर कि आप क्या क्या, जिस कुछ लोग बोलते हैं डैशबोर्ड भी कराना है, कुछ लोग ऊपर वाला हिस्सा कराते हैं, कुछ नीचे वाला कराते हैं, कुछ दोनों करा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर करवाने के लिए हैं भाई, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। एक बार आपको भाई गियर बॉक्स भी दिखाना चाहूँगा, गियर वाला जो लीवर है ये लीवर चेकआउट कर सकते हो आप, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रेड में है और रेड का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। तो भाई ये थी कुछ अपनी स्विफ्ट VXI, और एक बार भाई भाई जिन भैया की गाड़ी है एक बार उनसे ही मैं आपको मिलाऊँगा, कहाँ से आए थे, कितना टाइम लगा और गाड़ी में मज़ा आया है भाई, ये सारी बातें उनसे करेंगे भाई। यहाँ पर होने वाले हमारे साथ भाई, तो भाई कैसे हो? भाई सबसे पहले भाई नाम शेयर कर दो अपना। सिद्दीक अहमद जी। भाई आपने ये जो काम करवाया है कैसा लग रहा है अंदर का इंटीरियर? यार एकदम। कहाँ से आए थे आप? इलाहाबाद से। तो मतलब कैसे देखा था आपने इलाहाबाद? यूट्यूब पे देखी हुई थी वीडियो। अच्छा, भैया की शॉप देखी थी, माही कार की सीरीज़ आपने वीडियोस देखी थी, उसके बाद कॉल किया था भैया को। हाँ, कॉल करके आया। तो प्राइसिंग के मामले में सब कुछ कैसा रहा? बेटर, एकदम फर्स्ट क्लास मतलब आ गया मतलब है। और पैसे वैसे के मामले में बात करें तो नहीं, सब एकदम बढ़िया है भैया का। और नेक्स्ट टाइम कब आने का इरादा फिर आपका? अब तो मंथ हर मंथ आना ही है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन कराना ही है, कराना ही है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, भैया आए थे, भैया ने सारा काम कराया और उनको भाई एक नंबर का ये सारा काम लगा, जो कि भाई आप लोगों ने देख ही लिया है। फिलहाल आप बता देना भाई आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना, और चैनल को लेना सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि ये जो गाड़ी है इलाहाबाद से आई है और इतनी दूर से अपने पास गाड़ियाँ आती रहती हैं। फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड, भाई जय हिंद जय भारत।